धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए। प्रभु आपने सुबह हमें आशीषित किया, हमें रात भर संभाला, हमें अपने प्रेम अपनी करुणा अपनी दया में बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम सभी भाई और बहनें मिलकर आपके नाम में स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सभी भाई और बहनें अपने भारी मन से जीवन की चिंताओं और परेशानियों के बोझ से दबे हुए आपके सामने आते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन जो कहता है कि हे तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हृदय में नम्र और नम्र हूँ, और तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें यह जानकर सांत्वना मिलती है कि हम अपनी सभी चिंताओं भय और सब प्रकार की मुसीबतों को आपके साथ आपके पास आ सकते हैं। हम उन लोगों को आराम देने के वादे पर विश्वास करते हैं जो विश्वास के साथ आपके पास आते हैं। आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह, और सारे बोझ का भार आपके सक्षम हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ आप पर है और हमें विश्वास है कि आप हमारे संघर्षों से अवगत हैं, हमारे दिल की पुकार को समझते हैं। हमारे भाई बहन जितने प्रभु आज प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, अपने बोझ अपने थकान को अपने चिंताओं को लेकर प्रभु आप उनकी सुधि लेने वाले हो, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे आनंद के श्रोता है, जो हमारे हर संघर्ष को आपने देखा है प्रभु, जीवन के संघर्ष को आप जानते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन जो कहता है तूफान समुद्र को शांत किया, वैसा ही मैं जानता हूँ कि आपके पास हमारे जीवन में तूफानों को शांत करने की शक्ति है। हमें नियंत्रण करें प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने चुनौतियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे हर प्रकार के तूफानों को शांत करके हमारे मन की बेचैनियों को दूर करते हैं और हमें पूर्ण रूप से शांति देते हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक 4:6-7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मनों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम अपनी ईमानदारी और अच्छाई के लिए आपके साथ आपकी प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु। पूर्ण ईमानदारी और अच्छाई के साथ हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु कि आप हमारी सुधि लें। हमें विश्वास है कि आप हमारी चिंताओं को अपनी पूर्ण शांति में बदल देंगे। हमें यह याद रखना है, में मदद कर प्रभु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे मन में सदा ही आपकी अगुवाई बनी रहे, आपका मार्गदर्शन सदा ही बना रहे, आपके बताए मार्ग हम सदा ही उस पर चले। हाँ प्रभु, कि हर परीक्षा में हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें हर परीक्षा हर मुसीबत हर कठिनाइयों में उनसे उबरने की शक्ति प्रदान करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप जो क्रूस पर हमारे बोझ उठाया, आपने हमें विश्राम देने के लिए अपना प्रभु शांति त्याग दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि हाँ प्रभु आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति सदा बनी रहे, आपकी आशीष सदा बनी रहे, आपकी करुणा आपकी दया हम पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप महान परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो चिंताओं में डूबे हैं, हर प्रकार की चिंताएँ हैं कि किस प्रकार उनकी स्वास्थ्य सही होगा, किस प्रकार वो चंगाई प्राप्त करेंगे, किंतु आप हर प्रकार के चिंताओं को दूर करने वाले प्रभु, आज जितने भाई बहन चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुधि ले। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के रोग और बीमारियों को दूर भगाते हैं, हर प्रकार के जादू टोने टोटके को यीशु के नाम से ध्वस्त करते हैं, हर प्रकार के जादू टोने को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। ये हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु।
आपकी आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया सदा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। सारे महिमा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।